नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारी आज की रेसिपी है आलू कीमा। आलू कीमा बनाने के अज्जा: कीमा आधा किलो, टमाटर 3 मीडियम साइज, प्याज 2 मीडियम साइज, दही आधा पाव, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून से लेके 1 टेबलस्पून तक, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, ऑयल 1/2 कप, साबत गरम मसाले, बड़ी इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4, दालचीनी की स्टिक्स 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, लौंगे 4 से 5 अदद, काली मिर्चें 4 से 5 अदद, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, आलू 3 अदद मीडियम साइज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। आलू कीमा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कुकिंग पैन में 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें और उसमें 2 प्याज बारीक स्लाइस कटी हुई गोल्डन फ्राई कर लें। जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करें। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करें। 1 से 2 मिनट के बाद जब अच्छे से गरम मसाले की खुशबू आने लगे तो इसमें 1/2 किलो कीमा शामिल करें। 1/2 किलो कीमा शामिल करके उस वक्त तक फ्राई करें जब कीमे का अपना पानी खुश्क हो जाए। जब कीमे का अपना पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून या अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून तक आप लाल मिर्चें डाल सकते हैं। यानी अगर आप मीडियम स्पाइस खाते हैं तो आपके लिए 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर काफ़ी है, लेकिन अगर आप तेज़ मसाले खाते हैं तो आप 1 टेबलस्पून तक लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी और हस्बे जायका नमक शामिल करें। मसाला और कीमे को अच्छे से भूनें और फिर इसमें 3 टमाटर बग़ैर छिलके के क्यूब्स में काट के शामिल करें। टमाटर शामिल करने के बाद जब टमाटर हल्के से नरम हो जाएं, तो इसमें 1/2 कप जितना पानी शामिल करें और पैन कवर करके कीमे को गलने के लिए छोड़ दें। दूसरी तरफ आप टाइम बचाने के लिए एक कुकिंग पॉट में 3 आलू को क्यूब्स में काट के बॉईल करने के लिए रख दें। जितनी देर में आपका कीमा तैयार होगा उतनी देर में आपके आलू भी गल जाएंगे, लेकिन हमें आलूओं को मुकम्मल नहीं गलाना है, आलूओं में हल्की सी कसर रखनी है। जब हमारा कीमा गल जाए और आलू भी इतने बॉयल हो जाएं कि उसमें हल्की सी कसर हो तो हम ये आलू कीमे में शामिल कर देंगे। और आलू कीमे में शामिल करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, पैन को कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट का दम देंगे ताकि आलू कीमा और तमाम मसाले यकजान हो जाएं। 5 से 7 मिनट के दम के बाद हम इस कीमे आलू को अच्छे से भून लेंगे, इतना भून लेंगे कि इसमें शामिल किया हुआ ऑयल वाजे होने लगे। फिर हम इसे हरी मिर्चें और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए
कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।